ये डेवलपमेंट मुसलमानों से दुनिया को ये फायदा हम देते थे कि जितने भी रॉकेट साइंस हो या कंप्यूटर हो कैमरा हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट हो मुसलमानों ने उसको बता कर दे दी। एजुकेशन बोलते अमेरिका जाता है, ऐसा डेवलपमेंट बोलते यूरोप आ जाता है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी की चीज बोलते वो नासा जाता है। हमसे वो सीख सीख कर आज नाम कमाए हैं। आज ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सा लॉ है, कौन सा रिलीजन है जिसकी हर तालीमात लिखी हुई है, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। हम मुसलमान तो इस दुनिया के और इस जमीन के इतने वफादार हैं कि हम मरे भी तो हमारा जिस्म हम इस जमीन को देकर जाते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन मुस्लिम। मुकम्मल तौर पर इस्लाम दूसरे मजहब पर गालिब होना ही होना है। बड़ा नहीं मिला था इस्लामिया, आज बतारीख 9 नवंबर 2014 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसको सेंटर फॉर ट्रूथ मैसेज के ज़ेर निगरान इस इजलास का मुनक़िद हो रहा है, जो सबसे पहले मुखरिर आपके सामने खिताब फरमाएंगे उनका मुख्तसर सा तारुफ आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। ब्रदरान इस्लाम जो अगले मुखरिर हैं, ब्रदर निज़ाम अली ख़ान, इनका पूरा नाम है मीर निज़ाम अली ख़ान, आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप 16 साल की उम्र से दावती काज को अंजाम देते आ रहे हैं। आपको 8 साल का दावती तजर्बा और अभी आपकी उम्र 24 साल है। आप MBA की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, अभी आप MSc इन साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़ और MA इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं। आप मदनी और उमरी उलमा से दीनी तालीम हासिल करते हैं और अपना दावती काम उलमा की ज़ेर निगरानी और उनकी सरपरस्ती में अदा करते हैं। आप एक दावती इदारे के बानी और उसके सदर हैं जिसका नाम है अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन हैदराबाद। आपने कई सारे TV चैनल्स में खिताबात किए हैं और बहुत सारे दावती प्रोग्राम भी अंजाम देते आ रहे हैं। पिछले साल आपका मलेशिया और हांगकांग का कामयाब दौरा रहा है। इंशाअल्लाह इसी माह की 3 दिन बाद आप 12 नवंबर 2014 आप दोबारा हांगकांग और बैंकॉक के लिए दावती दौरा करने वाले हैं। अर्श वाले से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस दौरे को कामयाब बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हासिदीन के हसद से, काहिनों की कहानत से, दुश्मनों की दुश्मनी से और बदनज़रों की बदनज़री से इनकी हिफाजत फरमाए। अब मैं आपके सामने इन मुखरिर को दावत देने से पहले इनका मौजू सुखन बता देना मुनासिब समझूं। इनका मौजू है मुसलमानों से दुनिया को फ़ायदा पर कैसे। ब्रदर निज़ाम अली ख़ान। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه
وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس مرد و خواتین بچوں کا بزرگوں کا پردہ نشین ماں اور بہنوں کا اور اس گراؤنڈ کے اطراف اور اکناف سننے والے سامعین کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں سے دنیا کو فائدہ پر کیسے یہ عنوان ایک سوالانہ انداز میں ہے کیسا سوالانہ انداز میں ہے مسلمانوں کو دنیا سے فائدہ پر کیسے عموماً طور پر جو ہے نا ہم کو یہ تنقید کے طور پر یا پھر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس دنیا میں ہوں تو مجھ سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں دنیا کو یا پھر غیر ہم سے پوچھتا ہے ارے یار مسلمان قوم تم دنیا میں ہو تم سے کچھ فائدہ ہے کیا دنیا کو یا پھر ایسے ہی آ رہے اور چلے جا رہے تو ہم احساس کمتری میں آ جاتے مجھ سے کچھ فائدہ ہے میں عبد الرحمن میں عبد الرحیم میں عبد القدوس میں رضوان میں محمد میں عبد اللطیف مجھ سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ایسے ہی آ رہا ہوں اور چلے جا رہا ہوں دنیا میں فائدہ ہے یا نہیں تو مسلمانوں کو دنیا سے کیا فائدہ ہے دیکھیں خیر مسلمان یا پھر ہم ہی کبھی ایسا سے کمتری میں سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اسلام نے ہم کو کیا سکھایا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا سال میں رمضان آیا تو جاب گیا بزنسز گئے پورا رمضان ہم عبادت میں لگ جاتے اگر حج کو جانا ہے 2 مہینے وہاں نکل گئے اگر عمرہ کو جانا ہے 1 مہینہ وہاں نکل گیا تو سال کے 365 دن میں 5 وقت کی نماز 1 مہینہ رمضان کے واسطے ریزرو عبادت کے لیے تو وقت ہی کہاں ہے دنیا کو کچھ دینے کے لیے ہم کو سال کے 365 دن میں 1 دن میں 5 بار ڈسٹربینس آ رہا ہم کو نیند میں سے اٹھ جاؤ فجر کے لیے جاب کر رہے یا بزنس کر رہے پھر ظہر کی نماز کو جاؤ پھر آئے بیٹھے نے پھر عصر کی نماز کو جاؤ پھر آتے سانس بھی نہیں لیے مغرب ہو گئی اس کے بعد دوست سے ملتے عشاء ہو گئی پھر رات ہو گئی ٹائم ہی کہاں ہے دنیا کو کچھ دینے کے لیے ہم کو اس طریقے سے ہم احساس کمتری میں آ گئے اس طریقے سے ہم کو یہ سمجھایا گیا اس طریقے سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں تم مسلمان قوم کچھ کام کے ہی نہیں اور ہم اس کو کیا کر لیے ایکسیپٹ کر لیے ہاؤ بھائی ہم کچھ کام کے نہیں ہیں ہم سے کچھ دنیا کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہی ہمارا معاملہ ہے آج ترقی کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہاں پر چلے آتے ویسٹرن کنٹریز کو چلے آتے ترقی شاید امریکہ میں ہوتی ہوگی ترقی شاید یورپین کنٹریز میں ہوتی ہوگی ہم سے کہاں پر ترقی ہوگی ہم نے مسلمانوں نے دنیا کو کچھ دیا ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہ قوم عرب کی قوم کیسی تھی جاہل قوم تھی کیسی تھی جاہل قوم جہالت کی حد کیا تھی اگر ایک کی بکری یا مرغی دوسرے کے قبیلے میں چلے گئی تو سالوں سال لڑ لے رہے کتنے سالوں سال لڑ لیتے اتنی جاہل قوم مگر وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں آج پوری دنیا مسلمان قوم مسلمان دنیا ان کو فالو کرتی ہے ان کی اطاعت اور اتباع کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مسلمان ان سے فائدہ اٹھا رہے بھائی ہم کو کیا فائدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام مکمل طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر گئے ہیں دین اسلام کہاں سے شروع ہوا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم کہاں پر ہوا اس کی تعلیمات ختم کہاں پر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 में फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व नियमती व रदीतु लकुम इस्लामी दीना, कि आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर तुम्हारे हाथ में दिया है। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर तुम्हारे हाथ में दिया है, जिसका नाम है इस्लाम। अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में कहा, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह सुबहान तआला की नज़र में इस्लाम ही दीन है। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में कहा, वमा यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलयुक्बला मिनहु वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई और मजहब, कोई और वे ऑफ लाइफ को लेकर क़यामत के दिन आओगे तो अल्लाह सुबहान तआला उसको काबिल कबूल नहीं करेगा। और इस्लाम किस तरीके से लेकर आना है? जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, उस तरीके का इस्लाम लेकर हमको जाना है। कुरान, सही अहदीस और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के तरीक़े पर चलकर, जिसकी गवाही अल्लाह सुबहान ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 में दी है। अल्लाह सुबहान ताला ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 25 में कहा कि हमने नबियों को और रसूलों को इस दुनिया में भेजा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो क्या है? अल्लाह की तौहीद इस दुनिया में फैलाना है। गैर मुसलमान हमसे कहते हैं कि भाई इनका काम यही है, बस इनका काम यही है कि नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह की इबादत कर लो, दुनिया से इनको कोई ताल्लुक ही नहीं है। और हमने क्या किया, हमारी जो तालीम है, हमारा जो इल्म है, उसको बांट दिया। कैसा बांटा? एक तरफ हो गया इल्मी शोबा। इल्मी शोबे से मतलब ये है कि क्या है, दीन, सिर्फ दीन, सिर्फ उलेमा। और उसके बाद क्या, असरी तालीम, दीनी तालीम और असरी तालीम को अलग अलग कर दिया हमने, दीन को, दीन के इल्म को बांट दिया हमने। असरी तालीम वाले दीनी तालीम वालों को नहीं जानते, दीनी तालीम वाले असरी तालीम वालों को नहीं जानते, मगर इस्लाम दोनों को लेकर चलने की बात करता है। अलग अलग इस्लाम ने नहीं किया, अलग अलग इस्लाम ने नहीं किया, दोनों इल्म हमको लेकर साथ साथ चलना है। अब दुनिया में देखिए, दुनिया को हमने क्या दिया आखिर? मुसलमान रहते हुए हमने दुनिया को दिया क्या भाई आखिर? आज हमारे नौजवान बच्चों से पूछ लो या फिर किसी से पूछ लो कि मुसलमान हो तो दुनिया को तुमने क्या दिया, तो कहते हैं कि भाई हमको तो कुछ पता नहीं है, हमने शायद दिया है भी है कि नहीं दिया। जब हम तारीख उठाकर देखते हैं, जो आज हम कहते हैं ना एडवांस कंट्रीज, किसको कहते हैं एडवांस कंट्रीज? यूरोप और अमेरिका को हम कहते हैं कि ये एडवांस कंट्रीज है। तो इनका एडवांसमेंट कहाँ से आया? इनका एडवांसमेंट आया कहाँ से भाई? एकदम ये एडवांस बन गए। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात आती है या फिर एडवांसमेंट की बात आती है या डेवलपमेंट की बात आती है, आईटी फील्ड की बात आती है, तो हमारे दिमागों में अंग्रेजी नाम आते। कोई भी एक अंग्रेज होगा भाई, उसका नाम कुछ तो भी दया वया बोल के कुछ तो भी अंग्रेजी नाम होगा, यही आता हमारे दिमाग में। बच्चों को भी यही सिखाए, बच्चों को स्कूल में क्या सिखाया जाता? डार्क एजेस और मॉडर्न एजेस। डार्क एज क्या था? यूरोप और अमेरिका जब अंधेरी नगरियों में थे उसको डार्क एज कहते हैं। उसके बाद अब मॉडर्न एज, ये बच्चों को दो ही सिखाया जाता है। बच्चों को हमारे इल्म नहीं है, बच्चों को हमारे ऐसा सिखाया जाता है स्कूलों में। बहरहाल जब हम तारीख खींच कर देखते हैं तो जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी एडवांसमेंट है, हम मुसलमानों ने इस दुनिया को दिया है। किसने दिया है? हम मुसलमानों ने। ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल पहले, दो सदी पहले बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर गुजरे, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर गुजरे, और उनको आज के साइंटिस्ट हो या फिर आज के एडवांस कंट्रीज हो, उनको क्या कहते हैं, बहुत बड़े साइंसदान थे भाई, बहुत बड़े फिलोसोफर थे वो। उनका नाम क्या है? प्लूटो और एरिस्टॉटल, अफलातून जिसे कहते हैं, 200 साल पहले। तो हम सोचते हैं कि ऐसा प्लूटो कुछ नाम होगा, एरिस्टॉटल कुछ नाम होगा, न्यूटन कुछ नाम होगा, स्टीफन हॉकिंस कुछ नाम होगा, ऐसे ही नाम के रहते हैं एडवांस वाले, दुनिया को डेवलपमेंट दिखाने वाले ऐसे ही नामों के रहते, पूरे अंग्रेज आ रहे थे। तो इन्होंने, प्लूटो और एरिस्टॉटल, इन दोनों ने जो फिलॉसफी दिखाई, जो साइंटिफिक बातें दिखाई,
आज के साइंसदान उसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने क्या साइंस दिखाई? उन्होंने हाइपोथेटिकल साइंस दिखाई। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेसिस का माना क्या होता है? हाइपोथेसिस का माना होता है खयास, ऐसा हुआ होगा, खयास वाली बातें इन्होंने कही। मगर जब हम मुसलमानों की तरफ रुख मोड़ते हैं तो देखा जाता है कि ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने दुनिया में रोशनी फैलाई टेक्नोलॉजी की, दुनिया में रोशनी फैलाई डेवलपमेंट की। क्रिश्चियन एरा के मुताबिक यह कौन सी सेंचुरी है? क्रिश्चियन एरा के मुताबिक कौन सी सेंचुरी है? कौन सी? कोई इधर से 21 बोल रहे, इधर 20 बोल रहे, पीछे कौन सी है? 21वीं सेंचुरी चल रही है फिलहाल। ईसा अलैहिस्सलाम गुजरने के बाद ये 2014 चल रहा, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सदी में आए? कौन सी सदी? फिफ्थ और सिक्स्थ सेंचुरी 570 और 632 दुनिया में आए और 632 में चले गए, तो फिफ्थ सिक्स्थ सेंचुरी लगभग, ठीक है। तो इससे पहले डार्क एजेस, इससे पहले क्या कहते थे? डार्क एजेस कहते थे। उसके फौरन बाद देखेंगे आप, दुनिया के बड़े बड़े अफलातून, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान इस्लाम को पकड़कर, इस्लाम के तालीमात हासिल कर दुनिया को एडवांसमेंट दिए। अब कैसा दिया आपको समझाता हूं। आज की एडवांस कंट्री कौन सी है? जोर से बोलना भाई, यहां पर चित्रदुर्गा वाले हिम्मत वाले हैं नहीं, आवाज जोर से आना। आज की एडवांस कंट्री कौन सी है? मिक्स आवाज आ रही, अमेरिका। अमेरिका क्या है? आज की एडवांस कंट्री है। यूरोप और अमेरिका, आज हमारा बच्चा अमेरिका में तो कितनों को बोलते हैं, हमारा बच्चा कहां गया पढ़ने और कमाने? अमेरिका गया भाई। क्यों बोलते हो? वहां सख्ती से वीजा मिलता ना, सख्ती से वीजा मिला तो थोड़ा बहुत फखर की बात है, अमेरिका गया। अमेरिका आपको मालूम कब कब दरियाफ्त हुआ, डिस्कवर कब हुआ, कब पता चला कि अमेरिका बोल के एक दुनिया में जमीन है, वहां लोग रह सकते, कब हुआ? अब ये कौन सी सदी चल रही? 14th सेंचुरी में मालूम हुआ। कब? 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, माने डिस्कवर हुआ 1492। ताजमहल कब बना? ताजमहल 1648 में ताजमहल बना। ताजमहल से 156 ईयर पहले अमेरिका बना। कितना करीब आ गया? नहीं, ताजमहल 1648 में बना, 156 ईयर्स पहले अमेरिका बना। मालूम हुआ कि यहां पर लोग रह सकते हैं। तो अमेरिका इतना 7 सदी पहले ही फॉर्म हुआ और फॉर्म होकर एडवांस कंट्री कैसा बन गया भाई? कुछ तो इसके पीछे कलाकारी है, कुछ तो जादूगरी है। समझ में आ रहा? दरियाफ हुआ, ऐसा जमीन दिखी, लोग बसना शुरू हो गए और दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री कैसा बन जाता? कैसा बनता? उसके पीछे बहुत बड़े कारस्तानियां हैं उनके। कैसा है? डाविंसी ने 1452 में कहा कि साइंस दानों को आग से जलाया नहीं जाएगा। यूरोप में क्या होता था मालूम? साइंस दानों को मोमबत्ती जैसा जलाते नहीं, ऊपर से नीचे वैसा जला देते थे। इन्हें साइंस दान, इसको पकड़ो जला दो, इसको पकड़ो जला दो, पूरे साइंस दानों को जला दो। तो डाविंसी ने 1452 में कहा कि अब से साइंस दान नहीं जलना चाहिए, साइंस दानों को जिंदा रखो। 1452 में डाविंसी ने यह कहा, साइंस दान जिंदा रहना। 1492 में क्या हुआ? अमेरिका दरियाफ्त हुआ, डिस्कवर हुआ। 1452 में जैसे ही डाविंसी ने कहा साइंसदानों को नहीं मारना, 1453 में अब्बासिया की हुकूमत गिरी मुसलमानों की। और 1492 में जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ, 1493 में स्पेन की हुकूमत गिरी। क्या कर रहे थे? बड़े बड़े हुकूमत कर रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 3 कॉन्टिनेंट्स पे वो बादशाहत करते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के ऊपर और मालदीव्स के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। इतने बड़े जगह पर वो हुकूमत करते थे, एक शख्स, 3 कॉन्टिनेंट्स, आज के 8 कंट्रीज। कौन? मुसलमान हुकूमत करते थे।
मगर जैसे ही ये फॉर्म होना शुरू हो गए, मुसलमान थोड़ा दीन से दूर होना शुरू हो गए, जैसे ही दीन से दूर होना शुरू हो गए, अल्लाह सुबहाना ताला ने हुकूमतों को क्या किया, गिरा दिया। स्पेन ने क्या कहा, स्पेन ने कहा हम अल्लाह के नाम और सिफतों पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह के ना कोई नाम है ना कोई सिफत है, अच्छा रहते हैं मुसलमान, कहीं पर जाके कुलाटी मारते, जैसे ही कुलाटी मारते अल्लाह सुबहाना ताला पूरी हुकूमत गिरा देते। इंडिया में क्या हुआ, बादशाहत करे, अच्छी बादशाहत करे, हजार साल के करीब बादशाहत करे, कहे कि दीने इलाही को हजरत कायम कर दो, दीने इलाही ला लो। दीने इलाही क्या है, कॉकटेल मिक्सचर ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम मिला दो, और कुरान को नहीं दबिश्ताए तहजीब को पढ़ो। क्या क्या अल्लाह सुबहाना ताला ने पूरी हुकूमत गिरा दी। आज क्या रह गए, खाली खंडर रह गए, आज महल रह गए, मगर वो बादशाहत नहीं रही, इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हवाले हो गई आपकी बादशाहत। शाहजहां क्या करे, आशिकी के चक्कर में जाके ताजमहल बनाए, ठीक है, और उसके बाद सफेद ताजमहल बना दिए, बाद फिर काला ताजमहल बनाने की कोशिश करे तो उनको क्या करे, औरंगजेब ले जाके बंद कर दिए, वो ताजमहल बना रहे तुम पैसे पूरा खराब कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे थे, 15-16 जो सेंचुरी है ना, इसमें अमेरिका दरियाफ्त हुआ, यूरोप दरियाफ्त हुआ, जैसे ही ये दरियाफ्त हुए, इनकी उशारी देखिए, इनकी उशारी देखिए, जितने भी मुसलमानों ने डिस्कवरीज लाई, जितने भी मुसलमानों ने इन्वेंशंस लाए, उसको लेकर मॉडर्न बना दिए। जितने भी 7th, 8th, 9th, 10th ये चार सेंचुरी में जबरदस्त मुसलमान साइंसदान गुजरे, जबरदस्त मुसलमान साइंसदान गुजरे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, 7th, 8th, 9th और 10th सेंचुरी में, ये चार सेंचुरीज में साइंसदान मुसलमान आए, और 1492 और 1452 के बाद जैसा ही मुसलमान जो है यहाँ पर मुगल एम्परर जो है बिल्डिंगा बना रहे थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बड़े बड़े कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, और क्या हैदराबाद का चार मीनार, ये वो बनाने लग गए। यूरोप और अमेरिका क्या कर रहे थे मालूम, एडवांसमेंट कैसा हासिल करना। 1505 में जो है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ी, कब, 1505 में, वो लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे और हम आशिकी के ताजमहल बना रहे, और आज वो यूनिवर्सिटी बनाए, आज वो पढ़ाई के पीछे भागे, आज वो डेवलपमेंट के पीछे भागे, तो आज वो कहां चले गए, एडवांस कंट्रीज में चले गए। आज हम मुसलमान क्या करें, दीन से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, अल्लाह और नबी के अहकाम से दूर हो गए, हम कहां हो गए, आज जलीलो खार हो गए, जलीलो खार हो गए। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान जैसी ताकत हमको दी है, कुरान जैसी अल्लाह सुबहाना ताला ने ताकत दी, मगर हमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। देखिए अरब की कौम कैसी थी, जाहिल बदतरीन कौम थी, उस कौम में अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी को भेजा, सहाबा को भेजा, भेजकर दुनिया का रहबर बना दिया, उस जाहिल और जंगली कौम आज दुनिया के रहबर बन गए, उतर कर हीरा से सुए कौम आए, साथ में नुस्खे कीमिया भी लाए, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी जिसने जो है अमन से हिला दी। हम कहेंगे वमा अरसलना का इल्ला रहमतुलिल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन से हिला दिया, जो जाहिल कौम थी आज वो हमारे रहबर है, उसकी गवाही अल्लाह सुबहान तआला ने दी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 में, और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 100 में अल्लाह सुबहान तआला ने कहा मैं उनसे राजी हूं और वो मुझसे राजी है। इतनी बड़ी गवाही कुरान अल्लाह के कलाम में आ गई, जाहिल कौम को कुरान मिल गई, नबी मिल गए, तो आज दुनिया के रहबर बन गए। हमारे पास कुरान है, नबी है, कैसा, अहादीस के जरिए, नबी के कलाम के जरिए हमारे पास नबी मौजूद है, कैसा, नबी का कलाम, नबी मौजूद है हमारे साथ मौजूद है, ऐसे फतवे नहीं दे रहा हूं मैं, नबी मौजूद है, नबी मौजूद है बोल के वैसा नहीं, नबी मौजूद है का माना यह है कि नबी की अहादीस हमारे पर मौजूद है, और दुनिया का वाहिद दीन है हमारा इस्लाम, जो दुनिया के हर अध्ययन को अलग करता है। कैसे, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, ऐसा दीन है जिसकी हर तालीमात रिटर्न फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में। आप
पैदा होते हैं, आपका हकीका किस तरीके से करना चाहिए, उसके पूरे शुरूत है। आप मरते हैं, किस तरीके से कफन दफन दफनाना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा तरीका लिखा हुआ है। आज ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सा लॉ है, कौन सा रिलीजन है जिसकी हर तालीमात लिखी हुई है, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। कौन सा रिलीजन है? दूसरे रिलीजन्स में उन्होंने ऐसा कह दिया था इसलिए हम कर रहे हैं। वो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे पास भी आ गया, वो हमारे बड़े बोलते थे तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। हमारे बड़े बोलते थे, अगर वो कुरान हदीस के हिसाब से बोलते हैं तो हमको करना है, अगर नहीं बोलते, कुरान हदीस के खिलाफ जाते तो हमको नहीं करना है। समझ में आई बात? तो अल्लाह सुबहान तआला ने रिलीजन को महफूज रखा, हमारे दीन को महफूज रखा। कुरान पर कितने अटैक्स होते आज, कितने अटैक्स होते, कितनी तोहमतें आती, कितने बातें होती कुरान के खिलाफ अगर आज कुरान मौजूद है। हदीस के खिलाफ कितने बातें आती अगर मगर हदीस मौजूद है। अल्लाह ने महफूज कर कर कहा, ऐ मुसलमान ये तेरे पास दो चीज़ें हैं, इस पर अमल कर ले, तेरे लिए जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में क्या कहा, मैं मेरे बाद दो चीज़ों को छोड़कर गया हूँ, एक है कुरान और मेरी सुन्नतें। जो इंसान, जो शख्स इन दोनों को थाम कर रखेगा वही सही रास्ते पर है, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर है। आज दुनिया में कितने मुसलमान हैं, pewforum.org वेबसाइट है, जाकर आप चेक करिए, उसके मुताबिक 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, 2 बिलियन मुसलमान हैं और 5 बिलियन गैर मुसलमान हैं। दुनिया में कितने लोग हैं, 7 बिलियन, 7 बिलियन में से 2 बिलियन मुसलमान और 5 बिलियन गैर मुसलमान हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरह ज़ारिया सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 56 में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। क्या अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते नहीं थे मौजूद? हजारों करोड़ों फरिश्ते मौजूद है अल्लाह की इबादत के लिए। जहाँ काबा है उसके डायरेक्ट ऊपर और एक काबा है अल्लाह के पास, 70,000 फरिश्ते एक बार तवाफ़ करते हैं और एक बार तवाफ़ करने के बाद क़यामत तक उन फरिश्तों को दूसरा टर्न नहीं मिलता। तो कितने फरिश्ते अल्लाह की इबादत करें, फिर अल्लाह ताला हमको कहीं को भेजे भाई इबादत करो बोल के। अल्लाह सुबहान ताला भेजे कि भाई तुमको देखेंगे, टेस्ट करेंगे, 7 बिलियन में से 5 बिलियन अल्लाह की इबादत नहीं करें, और जो 2 बिलियन मुसलमान हैं उसमें से 1 बिलियन को सीधा हटा दे सकते, ये लोग भी नहीं कर सकते, नहीं कर रहे अल्लाह की इबादत है कि नहीं। हम 2 बिलियन मुसलमानों से कितने ऐसे पाबंद मुसलमान हैं जो अल्लाह की इबादत उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से अल्लाह ने कहा और नबी ने सिखाया। 1 बिलियन को हटा दे सकते, गोया के 7 बिलियन में से 6 बिलियन अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। जिस मकसद से अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? कुरान के अहकामात को छोड़े, नबी के अहकामात को छोड़े, इस्लाम का मजाक उड़ाए, नबी की अहादीस और सुन्नतों का हम मुसलमानों ने मजाक उड़ाया है। गौर करके देखने की बात है और तस्किया करने की बात है, हमारे दिलों का, हमारे दिलों को खोल कर खंगाल कर देखने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं दीन के साथ। अल्लाह ने तोहफा दिया नमाज, अल्लाह ने तोहफा दिया मेराज में, अल्लाह सुबहाना ताला ने नमाज का तोहफा दिया। 50 नमाजें लेकर नीचे आ रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि सलाम से मिले तो कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी कौम से मैं वाबस्ता हूँ, ये कौम 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, जाकर अल्लाह से दरख्वास्त कर लीजिए कि और कम कर दे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो 50 से 45 पर भी आकर कहे, ऐ मूसा मैं 5 लेकर आओ, तो कहा कि ये कौम नहीं पढ़ सकती, मूसा जाइए अल्लाह के पास। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब मुझे शर्म आती है। हम मुसलमान क्या बोलते हैं, वो 1 राउंड भी मारे तो 5 चले जाते थे, हमारा ये ईमान और अकीदा। अगर 1 राउंड मार लेना, 9 मारे ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 और मार लेते तो 5 का झंझट ही ना रहता था। मगर हम ये भूल गए कि अल्लाह ने तोहफा दिया, अल्लाह का तोहफा है नमाज, अल्लाह का तोहफा है नमाज, और हम नमाज पढ़ने से चिढ़ते हैं, झिझक में आते हैं, सोचते हैं कि मेरे काम में यह दखल देता है नमाज। जब अल्लाह का तोहफा हम कबूल करने वाले नहीं हैं तो उस नबी के चेहरे को याद करिए, जब मैदान महशर में हम आस में ठहरे रहेंगे, अल्लाह के नबी मेरी सिफारिश कर दो, तो क्या अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे? ऐसे हम जैसे बंदों की नमाज पढ़ने के लिए हम कोताही करते थे। मैदान महशर में नबी के चेहरे को सोचिए, क्या अल्लाह सुबहान तआला सिफारिश करेंगे?
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी आंखों की ठंडक है नमाज, और हम बे नमाजी क्या नबी के सामने क्या चेहरा हम लेकर जाएंगे। तो नमाज का यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए सख्त ज़रूरत है। क्यों? नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह सुबहाना ताला घरों में बरकत देगा, जिंदगियों में बरकत देगा, जॉब्स और बिजनेसेस में बरकत देगा। जैसे ही बरकत देगा तो हम मुसलमान उस बरकत को लेकर दुनिया में डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये है उसकी पूरी कड़ी। नमाज पढ़ना बोलते दीनदार बन जा रहे एकदम, पूरे जो है दुनिया भूल गए, ऐसा नहीं करना है हमको। नमाज के साथ डेवलपमेंट लेकर हमको चलना है। अब देखते हैं कि जो 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, 1454 में डावंसी ने कहा कि साइंटिस्ट को मत मारो, ठीक है। एकदम जैसे अमेरिका दरियाफ्त हुआ, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, आईटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नासा आसमान में चले आ रहे, मार्स में चले आ रहे, मून में चले आ रहे। ये कैसे आया, इनका डेवलपमेंट असल में हुआ कैसे? असल में अमेरिका को दरियाफ्त किसने किया? हमको क्या सिखाया गया? हमको सिखाया गया कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, हमको ये सिखाया गया। मगर असल बात यह है कि कोलंबस 1954 से पहले, पांच सदी चार सदी पहले मुसलमान ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, कहा कि यहां पर भी लोग रह सकते हैं। ये शख्स है वो, इनका नाम है अबू रेहान अल बिरूनी। 500 साल कोलंबस से 500 साल पहले इन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया। अमेरिका हमारा शुक्रमंद होना चाहिए, एहसान मंद होना चाहिए कि हमने उनको जगह देकर कहा कि तुम लोग यहाँ रहो, और वही जगह पर रहकर हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। हमने कहा जाओ वहाँ पर भी जगह रहो भाई, जिंदगी बसर करो, गुजर करो, और वहाँ पर जाकर रहकर आज साजिशें हमारे खिलाफ हो रचते हैं। तो मुसलमान ने दुनिया को अमेरिका दिया, मुसलमान ने दुनिया के नक्शे पर अमेरिका को लाया। आज जो मॉडर्न कंट्री जो कहते हैं ना, मॉडर्न सबसे मॉडर्न कौन है भाई? अमेरिका, यूरोप, वहाँ जाना खाली, वहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिखता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वैसी कंट्री को मुसलमान ने कहा कि ये जगह पे तुम जाकर रहो। बाद में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद ये साइंसदान है, ये पूरे साइंसदान है जो कुरान मजीद नाजिल होने के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सदी में जितने भी एडवांस डेवलपमेंट्स थे दुनिया को लेकर चले गए। जितने भी एडवांस डेवलपमेंट्स थे, आज के जितने भी डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये 7, 8, 9 और 10वीं सदी में लेकर चले गए। बहुत सारे हैं, पूरे तो नहीं बता सकता, मगर हमारे आंखों से जो गुजरते हैं ना डेवलपमेंट, वो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले है 9वीं और 10वीं सदी के, इनका नाम है इब्ने हाइसम। इन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल मनाजिर में किससे निकला? नज़र किसको कहते हैं? जो देखते हैं ना हम उसको नज़र कहते हैं। इन्होंने अपनी किताब में ऑप्टिकल साइंस के बारे में कहा। कौसी सदी में? कुरान नाजिल होने के 200 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। 9वीं सदी में इन्होंने ऑप्टिकल साइंस, जिस तरीके से आँख देखती है और इमेज को पलटकर जो रिकॉर्ड करती है ना दिमाग में, इब्ने हाइसम ने अपनी किताब किताबुल मनाजिर में लिखा। कैमरे का वर्ड कहाँ से आया? ये हमारे पास स्मार्टफोन्स आने से पहले फोटोज झुलाते थे ना, फोटोज झुला के लाओ भाई शादी के वली में के बोलते, याद है? अभी भी करते शादी वली में के नहीं करना, शादी वली में के हराम है। तो शादी वली में के हम फोटो धुलाए ना, कहाँ पर धुलते थे? वो अंधेरे कमरे में फोटो धुलाते थे ना। कमरा खमर से कैमरा निकला, 19वीं सेंचुरी में ये नाम निकला कैमरा। आज हम कैमरा बोलते नहीं, ये तो चाइना में बनता, ये थाईलैंड में बनता, ये जो है ना जापान में बनता, ये तो चाइनीज को मालूम, हमको क्या मालूम कैमरे के बारे में टेक्नोलॉजी? कैमरा नाम देने वाले हम मुसलमान हैं, समझ में आया? और मैंने जैसे बताया ना प्लूटो और एरिस्टाटल क्या करते थे, जो भी साइंटिफिक चीजें बताते थे। ये कब है प्लूटो और एरिस्टाटल? जो है ईसा अलैहि सलाम से 200 साल पहले। ये जो भी साइंस की चीजें बताते थे, ये हाइपोथेटिकल साइंस का माना खयास की बातें। मगर इब्ने हाइसम ने अपनी किताब में 7 पॉइंट्स बताए हैं। क्या पॉइंट्स है वो? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इब्ने हैसम ने अपनी किताब में बताया, कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है तो 7 पॉइंट्स है उसके। क्या पॉइंट है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 82 में कहा, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फिख्तलाफन कसीरा। क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते? क्या ये सोचते नहीं, समझते नहीं, तदब्बुर नहीं करते? तो सबसे पहले इब्ने हैसम अपनी किताब किताबुल मनाजिर में कहा, कोई भी चीज़ को दुनिया में लाना है, एक्सपेरिमेंट कर बताना है, तो खयास के तौर पर नहीं, प्लूटो एरिस्टाटल के तौर पर नहीं, अफलातून के तौर पर नहीं, असल में बताना है हमको, एक्सपेरिमेंट करके बताना है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कोई भी चीज़ को दुनिया में बताने के लिए। साइंटिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्व कर लिए कोई चीज़ को, उसके बाद कलेक्शन ऑफ नॉलेज, उसके बाद कंसल्ट, उसको कंसल्ट कर उसको उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं, भाई अगर कोई चीज़ सही है नहीं है उसको गलत देखना है, इसके माप के देख लिए, अगर ये चीज़ हम बना रहे तो दूसरी चीज़ कोई सही हो सकती या नहीं हो सकती। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उसको दूसरी चीज़ों से एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उसके बाद उसको रिफरेंस करेंगे। ये हो गए 7 चीज़ें इब्ने हैसम ने बताया एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है। आपको मालूम एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कौन जानता है अमेरिका में? बताइए भाई, नासा। नासा की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ये 7 पॉइंट्स नासा की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं जो इब्ने हैसम ने 9 सेंचुरी में अपनी किताब में दिखाए। आज नासा उसको इस्तेमाल करती है। प्लूटो और एरिस्टाटल की तरह नहीं जो हाइपोथेटिकल साइंस बताते थे, इब्ने हैसम की तरह किताबुल मनाजिर में 7 पॉइंट्स बताए। आज ये किताब आप जो है खतर के म्यूजियम में, यूके के म्यूजियम में, बहरेन के म्यूजियम में इसके कॉपीज रखे हुए हैं, जो आज नासा की वेबसाइट इस्तेमाल करती है कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो आज नासा जिस एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिस चीज़ से प्रोडक्ट बनाता है, दुनिया के सामने लाता है, ये है वो 7 पॉइंट्स, प्लूटो और एरिस्टाटल की तरह नहीं। उसके बाद है इब्ने सीना, आपने सुना, ये भी है 9वीं और 10वीं सेंचुरी। इन्होंने किताब लिखी अल कानून फित्तिब। अब आप लोग सोच रहे हैं इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं ना भाई, फिर हमको कैसा नहीं मालूम, हमारे बच्चों को कैसा नहीं मालूम? हम तो हमारे बच्चों को जो है स्मार्ट क्लासेस भी जाते, इतने बड़े बड़े मिशनरी स्कूल्स में भी जाते, क्या मामला है, हमारे बच्चों को कैसा नहीं मालूम? इतने बड़े बड़े हैं तो हमारा, हम खुद नहीं सीखे और हमारे बच्चों को नहीं मालूम। तो आपको बताना ये चाहूँगा कि हमारे बच्चों को मालूम, मगर कैसा मालूम मालूम? इनका नाम है इब्ने सीना। तो इन्होंने क्या कर दिया, इब्ने सीना ऑल्सो नोन एज एवन सीना बोलते, किसका नाम दिख रहा, कौन की अमेरिकन दिख रहा भाई, एवन सीना। और अल कानून फित्तिब ऑल्सो नोन एज अल कैनन बोलते, किसको मालूम होता अल कैनन बोलते, क्या बोलते, अमेरिका में निकाले होंगे कोई भी अल कैनन बोलते, क्या की नाम है, अंग्रेजी नाम दिख रहा, अल कानून फित्तिब अल कैनन कर दिए। उसके बाद इब्ने सीना को एवन सीना कर दिए इब्ने सीना। तो इन्होंने क्या किया, पूरे नामों को लैटिनाइज्ड कर दिया ताकि मुसलमान नहीं पहचाने, मुसलमान पहचानना नहीं चाहिए कि इन्होंने ऐसा काम किया है मुसलमानों ने। तो इनके डेवलपमेंट को, इनके जो है उरूज को हम क्या करेंगे, गिरा देंगे, छुपा देंगे, इनकी तरक्की को छुपा देंगे। और आज हम जानते नहीं कि अमेरिका जिस तौर पर तरक्की कर रहा है इनके पीछे ये सब लोग हैं। एवन सीना नाम कर दिया, अल कैनन नाम कर दिया। और इनकी जो किताब है अल कानून फित तिब में, बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं, 360 में 770 जो बीमारियां आती है ना जॉइंट्स के अंदर, इनकी किताब में मौजूद है। और 1505 में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कायम हुई थी उनके पहले सिलेबस में ये किताब मौजूद थी इब्ने सीना की। आज हम ऑक्सफोर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, बहुत लोग बहुत डेवलप और एडवांस है भाई, हमको कहाँ आता, ऐसा से कमतरी में मत आइए। वो लोग जिस भर्रे पर जो डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, पीछे उनके हम ही छुपे हुए हैं, हमने ही उनको डेवलपमेंट दिया, हमने ही उनको तरक्की दी। आज ये किताब अल कानून फित्तिब उन्होंने म्यूजियम में रखा है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखा, कहा कि फर्स्ट सिलेबस था। और इसके मुकाबले में कोई किताब आज तक इतनी एक्यूरेट तरीके से नहीं है।
हम समझते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पिछला ज़माना है, उसमें डेवलपमेंट का था कुछ भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के 300 साल के बाद ही चीज़ आई है, बहुत पीछे जाना नहीं है। 14 सेंचुरी में अमेरिका दरियाफ्त हुआ, ये 9th सेंचुरी के बाद बोलते बता रहा हूँ। 500 साल पुराने ये सब हमने दुनिया को दिया है। तीसरी किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में अल्लामा बैरूनी ने 2000 पेजेस में ये लिखे हैं। इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी उसका होके और मार्केट में मौजूद है। कब लिखे ये? 9th सेंचुरी में, हमको पता ही नहीं। यह है 11th सेंचुरी, इब्ने बैतर। आज बॉटनी, बॉटनी किसको कहते हैं? झाड़। इसकी स्टडी को जो करते हैं इसको क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। बॉटनी नाम कहाँ सा है? बच्चों को पूछे बॉटनी, क्लास स्कूल में पढ़ते ना साइंस का ये सब्जेक्ट में, बॉटनी नाम कहाँ सा है? बॉटनी बोलते क्या दिख रहा? एकदम अमरीकी नाम दिख रहा। इब्ने बैतर, बैतारी से बॉटनी निकला। कौन सा? 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी हमने बॉटनी का नाम दिया। इब्ने बैतर ने इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने अपनी किताब अल अदविया अल मुफरदा में झाड़ों के 200 झाड़ों के इन्होंने नाम दिए। 1400 जड़ी बूटियों को इन्होंने बताकर दिया कि ये जड़ी बूटी लगाने से ये बीमारी ख़त्म होती है। 1400 जड़ी बूटी और 200 झाड़ों के नाम इन्होंने दिए। इब्ने बैतर, फादर ऑफ बॉटनी। क्या हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं इब्ने बैतर? कोई बच्चे को मालूम? बॉटनी मालूम नहीं, एवेंसीना मालूम, अल कानून फितिब नहीं मालूम, अल कैनन मालूम। अमरीकी नाम पलटा पलटा कर बता दिए। इनका मंसूबा ही यही है। ईसा, हम ईसा अलैहि सलाम कहते हैं ना, हिब्रू और अरमाइक में ईसू कहते हैं। ईसू, ESU, ईसू। इन्होंने क्या किया, नाम कैसा बदलना? एकदम अंग्रेजी नाम दिखना, देखो एकदम गोरा चट्टा आदमी समझना। ईसू, ESU, आगे जे लगा दिया, पीछे एस लगा दिया, बन गया जीसस। जीसस बोलते क्या दिख रहा? एकदम गोरा आदमी। ईसू बोलते कौन की अरबी का आदमी दिख रहा, दाढ़ी वाड़ी शमला बन लेगी अरबी आदमी। जीसस बोलते एकदम भूरे आंखा गोरा चट्टा। तो इनके जहनियत से कैसा कहना, नामा बदलते नाम के हिसाब से हम हमारे दिमाग में वो इंसान की शक्ल बना लेते। अच्छा भाई इसका नाम ऐसा है तो इन्हें ऐसा होगा, तो नाम चेंज कर देते। उसके बाद जाबिर बिन हय्यान, 7th सेंचुरी। जाबिर बिन हय्यान, इनकी किताब है अलकीमा। केमिस्ट्री पढ़ते स्कूल में बच्चे, केमिस्ट्री कहाँ से मिली केमिस्ट्री का नाम? जाबिर बिन हय्यान ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अलकीमा। कीमा से निकला केमिस्ट्री। कौन सी सेंचुरी? 7th सेंचुरी हम मुसलमानों ने नाम दिया। इनको कहा जाता है, देखिए जितने भी नाम बता रहा हूं नाम है क्या लिखा है मालूम? जाबिर बिन हय्यान आल्सो नोन एज गेबर। गेबर बोलते कौन? गेबर बोलते एकदम यूरोपियन आदमी दिख रहा, पूरे नाम बदल देना गेबर। गेबर बोलते कौन है कि अंग्रेज आदमी? तो इनका असल नाम है जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया मालूम, अरब की जमीन के नीचे जो क्रूड ऑयल निकलता है ना, उसमें से जो डिस्टिलेशन के जरिए अलग अलग उसको प्रोसेस के जरिए कौन सा तेल निकल सकता है जमीन के अंदर से, उसकी पूरी थियोरी उन्होंने बताई। इसका पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया 7th सेंचुरी में। हम सोचते हैं अरब के नीचे से जमीन में से जो क्रूड ऑयल निकलता ना, अमरीका कुछ प्रोसेस बताया होगा, उस प्रोसेस के जरिए अरब ने नीचे से डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन के जरिए पेट्रोल निकाल रहे, डीजल निकाल रहे, कई सारे उसमें से लिक्विड्स निकाल रहे। नहीं, जाबिर बिन हय्यान ने 7th सेंचुरी अल्कीमिया किताब में ये पूरा डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बता दिया था, जिसको आज वो कॉपी कर कहते कि हम एडवांस हैं। और रॉकेट साइंस, आसमान में चले जा रहे, चांद पे चले जा रहे, सूरज पे चले जा रहे, और कहा मार्स में चले जा रहे, इसकी साइंस कहां से मालूम हुई? अच्छा बच्चों को पूछिए अलजीब्रा मालूम? अलजीब्रा, अलजीब्रा असल क्या है? अलजाबिर है। रॉकेट साइंस में जो बेसिक चीजें होती है ना रॉकेट साइंस की, जो नासा आज इस्तेमाल करती है अमेरिका में बैठकर, जाबिर बिन हय्यान ने दिया। अल जाबिर इनका नाम है, इसको ये क्या कहते हैं? अलजीब्रा कर दिया। अलजीब्रा, बच्चों को पूछा आज मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या नहीं?
अलजाबर बोलता हूँ, अलजीब्रा बोलता हूँ, मालूम होता नहीं मालूम होता, अलजाबर, जाबर बोलते एकदम मुसलमान दिख रहा, तो अलजाबर नको, इनकी पहचान को छुपा दो, मुसलमान के डेवलपमेंट को छुपा दो, छुपाकर उसको अलजाबर, गेबर, जीबर कुछ तो भी कर दो, तो ये एक अंग्रेजी नाम बन जाता। उसके बाद है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारज़्मी, ये भी 7th century के, इनका कारनामा क्या था, आज कंप्यूटर पढ़ते ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है, सबसे स्टार्टिंग का प्रोसेस, कोई कंप्यूटर वाले है इधर, अबैकस, सबसे पहला प्रोसेस। हम स्लेट में देखते हैं ना छोटे बच्चों को, पहली कड़ी में 1, दूसरी कड़ी में 2, तीसरी कड़ी में 3, 10 तक जाते, तो ये बेसिक है कंप्यूटर का। उसका बिल्कुल नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रोसेस किसने दिया, मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारज़्मी। ईरान के बॉर्डर पर एक एरिया है ख्वारज़्मी, जहां से ये आए हैं, ख्वारज़्मिस्तान नाम है जहां से ये शख्स आए, इन्होंने एल्गोरिथम का प्रोसेस दुनिया को दिया, जिससे आज पूरा कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर का बेसिक किसने दिया, मुसलमानों ने कब दिया, 7th century में दिया, 7th century में, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किसको भी नहीं मालूम जो मुसलमान है, जहां भी अल दिख रहा ना, अलिफ लाम दिख रहा, समझ जाना कि कोई कोई ना कोई पीछे मुसलमान है। जब भी बच्चों को साइंसदानों के बारे में पढ़ाते हैं ना, उनको बताइए कि ये कहां से, इसकी असल कहां से, इनको बताइए। ये 6th किताब, मैं 8 किताबों का जिक्र करूंगा जो मशहूर है, कई सारे हमारे पास साइंसदान मौजूद है, दुनिया को कई सारी चीजें दी, मगर उनमें से मैं 8 बताऊंगा। 7th किताब का नाम है अत-तशरीफ, अत-तशरीफ, फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी करते ना डॉक्टर को, ये तो पूछे फादर ऑफ सर्जरी कौन है, ले डे च्वेलाक, ले डे च्वेलाक कौन है, फादर ऑफ सर्जरी है, आज दुनिया जानती है, मगर फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, उनकी किताब है द ग्रेटर सर्जरी, उन्होंने 200 मर्तबा अपनी किताब में कहा, इमाम ज़हरावी से मैंने सर्जरी की किताबें सीखी है, फादर ऑफ सर्जरी बोलते लेडे च्वेलाक, उनकी किताब है द ग्रेटर सर्जरी, ग्रेटर सर्जरी में च्वेलाक साहब कहते हैं कि मैंने इमाम ज़हरावी से सर्जरी की बातें सीखी है। कोई बताते आज, कोई बताते कब, वो भी 7-8 century, अमेरिका एडवांस 14th century, 7, 8, 9, 10, 4 century में दुनिया का एडवांसमेंट बना बताकर हम मुसलमान चले गए। 8th किताब फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो हम हमारे पास कौन बोलते, विलियम हार्वी, विलियम हार्वी फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये इटाली में पूड़ा नामी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, उस वक्त इन्होंने कहा कि मैंने 3 किताबों से सर्कुलेशन के बारे में सीखा है, वो कि 3 किताबें किसके थी, जाबिर बिन हयान, इमाम राजी, इब्नुन नफीस, इनकी 3 किताबों से मैंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सीखा है। सुन सकते 7th, 8th, 9th, 10th century में ये सब डेवलपमेंट देकर मुसलमान चले गए, और ये मुसलमान ऐसे ही नहीं खाली दुनियादारी में लगे, इनके नाम अल्लामा से शुरू होते हैं, शेख से शुरू होते हैं, ये दीनी काम भी उस तरीके से करे, दुनिया का डेवलपमेंट भी उस तरीके से कर करे। और इब्ने अब्बास तफसीर खुर्तुबी अगर पढ़ेंगे तो सूरे अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा, अवरम यल्लज़ीना कफरू अन्न समावाती वल अर्ज काना तारख्तन फफतकनाहुमा, कि हमने जमीन और आसमान को मिला दिया था, उसके बाद उसमें एक फूट आई और जमीन और आसमान अलग हो गए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर खुर्तुबी में कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आसमान और जमीन को मिला दिया था, एक वक्त के बाद उसमें फूट आई, अल्लाह सुबहाना ताला ने बीच में स्पेस ला ली और आसमान और जमीन अलग हो गए। बिग बैंग थ्योरी के बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं, आयत की तशरी में सूरह दुखान की आयत और सूरह अंबिया की आयत को मिला देंगे तो बिग बैंग थ्योरी बन जाता है। कितना बड़ा डेवलपमेंट, कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हम मुसलमानों ने दुनिया को लेकर गए, और इसको छीन कर, नाम बदल बदल कर, नाम हटा हटा कर, कुछ तो भी अरबी नाम से अंग्रेजी नाम दे देकर खुद को कहते हैं कि हम डेवलप हैं। अरे तुमको जगह ढूंढ के देने वाले हम मुसलमान हैं, तुम्हारा जो बैकअप है डेवलपमेंट का बैकअप, तुम्हारे म्यूजियम खोल कर देखो, तुम्हारे सीनों को खोल कर देखो, तुम्हारे जो डेवलपमेंट के कारस्तानियाँ हैं, कारनामे हैं, उसका बैकअप उठा कर देखो। अगर ये 7, 8, 9 और 10वीं century के इमाम नहीं गुजरते, दुनिया को डेवलपमेंट नहीं बताते, तो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं आता था।
अरे तुम तो डिस्कवर हुए 500 सदी के बाद, ये डेवलपमेंट दिखा। कैमरा बोल तो हम क्या सोचते, जबरदस्त कैमरा कहीं तो अभी चाइना की सिटी में बनाते होंगे, ऐसी सोचते ना। ब्लड सर्कुलेशन के डॉक्टर हम तो जो है यूरोप और अमेरिका में, तो रशिया में बैठे होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर्स बोले तो वो तो भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री में बैठे होंगे। शुरुआत देने वाले हम मुसलमान हैं, जितने भी ये जो कारनामे कर बता रहे, हम मुसलमानों को फख्र होना चाहिए ऐसे इमामों पर कि इन्होंने हमारी इज्जत बचा के चले गए। अगर वो नहीं करते, अगर इतने बड़े बड़े कारनामे नहीं करते, तो दुनिया को क्या क्या मुंह दिखाने के लायक हम रह जाते थे। जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके हिस्ट्री को उठाकर उनको पढ़ाकर बता दीजिए कि ये जो तुम कहते हो ना कैमरा खमर फला सब बातें, इनकी असल बात ये एल्गोरिथम कहते हो वो अल जाबिर असल, अल जिब्रा कहते हो तो अल जाबिर असल, अल खानुन फित तिब कहते अल कैनन कहते हो अल खानुन फित तिब है वो, इब्न सीना कहते हो तो इब्न सीना है वो। कहो उनको ये डेवलपमेंट मुसलमानों से दुनिया को ये फायदा हम देके गए। आज जितने भी रॉकेट साइंस हो या कंप्यूटर हो कैमरा हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट हो, मुसलमानों ने उसको बता कर गए दुनिया, उसको चुरा चुरा कर खुद के नाम से डेवलपमेंट की बातें कहते हैं। अब हम सोचते कि भाई वो तो बड़े बड़े अल्लामा, उनको अल्लाह सुबहाना ताला ने जहन दे दिया, उनको अल्लाह सुबहाना ताला ने बहुत बड़ा जहन दिया था, उससे ये कर ले रहे, क्या ऐसी बात है, ऐसी बात है क्या? तो नहीं। आज के जनरेशन फिल वक्त, आज के जनरेशन में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है आज फिल वक्त की दुनिया के डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले खवातीन में, खवातीन को यहाँ पर खुश होना चाहिए। जो खवातीन ऐसा ऐसे कमतरी में आए थे ना, हमको कुछ आता ही नहीं, घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, बच्चों की परवरिश में लगे हुए हैं, खाने पकाने में लगे, हम दुनिया से क्या ताल्लुक, दुनिया को हमसे क्या ताल्लुक, हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। फ़ख्र होना चाहिए कि खवातीन भी दुनिया को कुछ दे सकते हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी बड़ी बिजनेस वुमन थी वो, उनका बिजनेस यमन और सीरिया में भी है। एक हाथ पर यमन और सीरिया में बिजनेस है, दूसरे हाथ पर अल्लाह सुबहान ताला खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम भेज रहे हैं। दोनों चीज़ों में भी सक्सेसफुल है, दोनों चीज़ों में भी है ना। ऐसे नहीं कि दुनिया बोलता सिर्फ दुनिया, ऐसे नहीं कि दीन बोलता सिर्फ दीन, दोनों में भी सक्सेसफुल है। जब दीन को पकड़ेंगे ना, तो अल्लाह सुबहान ताला दुनिया को पीछे भगाएगा, जा भाई उसके पीछे दीन है, तू दुनिया उसके पीछे भाग। हमारे पास दीन है तो पूरी लाइन लग जाती दुनिया की, मगर दीन को मजबूती से पकड़ना और उत्ते यकीन और अकीदे से पकड़ना है। तो सबसे पहले खुशबू मिर्ज़ा, जो चंद्रयान 1 जो रॉकेट भिजाए थे ना मून के ऊपर, इसरो इंडिया का जो है ऑर्गेनाइजेशन जो भिजाया था, उसके मेंबर थी। कौन, कितने साल है इनके, ओनली 23 इयर्स की है ये खातून है, 23 इयर्स, और ये टीम मेंबर है इसरो की, जो चांद पर रॉकेट भिजाए थे चंद्रयान 1 2008 में, ओनली 23 इयर्स। इनका कारनामा देखिए, 22 अक्टूबर में इन्होंने भिजाया था, वो भी कहाँ से मालूम आपको, आंध्र प्रदेश से भिजाए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से भिजाए चंद्रयान 1 पे रॉकेट। उसकी ये टीम मेंबर थी खुशबू मिर्ज़ा, मेंबर ऑफ चंद्रयान 1 टीम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ रॉकेट के पीछे पड़ी हुई है, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, ये कहती है I am just like any other Muslim girl who follows Islam and its tradition. मैं कॉमन लड़की जो होती ना उसी की तरह हूँ जो इस्लाम को फॉलो करती है और इस्लाम के जो भी चीज़ें अरकान है उसको फॉलो करती है, मैं उनके जैसी हूँ। ऐसा नहीं कि दीन से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे चंद्रयान मालूम है। उसके बाद कहती है ये, मैं रमज़ान में रोज़े भी रहती हूँ और ईद भी मनाती हूँ, मेरा रिलीजन कभी भी मेरे प्रोफेशन के बीच में नहीं आया, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन मुस्लिम, कहती है ये। आगे कहती है, इस्लाम मॉडर्निटी से पीछे नहीं हटाता, मॉडर्न बनने से इस्लाम पीछे नहीं हटाता, इस्लाम इज टोटली कंपैटिबल विथ मॉडर्निटी, जो जदीद चीज़ें हैं उससे इस्लाम पीछे नहीं हटाता है। मैं इसरो में इंजीनियर भी हूँ और दीन भी उसी तरीके से अमल करती हूँ। आज भी हम डेवलपमेंट के पीछे लगे, ऐसा नहीं 1000 साल पहले मुसलमान लगे हुए थे, अब डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद है फारूक एल्बाज, ये अमेरिकन इजिप्शियन है साइंटिस्ट
जो नासा में वर्क करे, सुपरवाइजर ऑफ लूनार अपोलो मिशन। कौन है? मुसलमान। नासा में मुसलमान साइंटिस्ट मौजूद है, नासा में 32 इंडियंस मौजूद है। हम इंडियंस को भी फख्र करना है, नासा में 32 इंडियंस मौजूद है। जो डेवलपमेंट कहते हैं ना, 32 इंडियंस है, उसमें से एक मुसलमान है फारूख, जो सुपरवाइजर है। इनके अवार्ड की फेरिस्त है, लंबी फेरिस्त है। मुसलमान है तो सिर्फ ऐसे काम कर लिए, सिर्फ सुपरवाइजर बन गए नहीं, उनके पीछे कई अवार्ड मिले उनको। ये एक नासा के साइंटिस्ट है। अहमद हसन जेवाल, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फेमटोकेमिस्ट्री। फेमटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? दो केमिकल्स मिलाते ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा ही दो केमिकल्स मिलाते हैं उसमें से एक रिएक्शन आता। लेबोरेटरी में क्या होता है, केमिकल्स मिलाते हैं, एक जो है उसमें उबाल आता। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इबाल क्यों आ रहा है, उसकी स्टडी इन्होंने बताया। ये फादर ऑफ फेमटोकेमिस्ट्री है, और ये लिस्ट है उनकी जो उन्होंने अवार्ड हासिल किया 96 में, 97 में, 99, 98, 2011। इतने इनके अवार्ड के लिस्ट है, ये मुसलमान हैं। डॉक्टर वलीद अब्दलाती, ये नासा के चीफ साइंटिस्ट है, मुसलमान हैं, नासा में काम करते हैं। डॉक्टर वलीद, ये फेरिस्त है उनकी जो ये अवार्ड हासिल किए हैं। उसके बाद है हबल स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के लिए डॉक्टर नजीर अहमद ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था नासा में। हबल स्पेस टेलीस्कोप किसको कहते हैं? जो आसमान में जो टेलीस्कोप बनाते ना, बड़े बड़े टेलीस्कोप आसमान की स्टडी करने के लिए, तारों की, सितारों की स्टडी करने के लिए, उस जो है माइक्रोस्कोप, उस टेलीस्कोप को बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट के हेड थे डॉक्टर नजीर अहमद, वर्क्ड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। डॉक्टर नजीर अहमद इज ए साइंटिस्ट, इन्वेंटर, हिस्टोरियन, लेजिस्लेटर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। और ये सिर्फ नासा में काम कर रहे हैं, दीन को इनको मालूम ही नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर नजीर अहमद ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में कुरान को भी ट्रांसलेट किए हैं। उसके बाद द ट्रांसलेशन वॉज रिलीज बाई मौलाना रजदी ऑफ जामा मस्जिद बेंगलोर। खरीब ही है नहीं, खरीबी चाहिए अपने से, और खरीब ला लो। इनकी एज है 75। तुमकुर में कौन कौन है पछाणत वाले? किसी ना किसी तो होंगे ना। इनका घर कहाँ है मालूम? तुमकुर में नहीं है, बैंगलोर में एक है और कैलिफोर्निया में है। तुमकुर में घर नहीं है, मगर तुमकुर की इनकी पैदाइश है। तुमकुर यहां से कितनी दूर है? 136 है, 136 किलोमीटर यहाँ से दूर है। 1 घंटा 50 मिनट होते यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। तो करीब कैसे, कहीं दूर दूर जाना नहीं है हमको। जितने भी बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं ना, करीब करीब कैसे। तो जब तुमकुर वाले फ़खर हो जाइए, अब अगर यहाँ है तो फ़खर में आ जाइए, और नहीं तो जाके बताइए उनको कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट जो नासा में काम करे, जिनका घर कैलिफोर्निया में और बैंगलोर में भी है, और ये कुरान मजीद को ट्रांसलेट भी करे, अमेरिकन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करे, ये साइंटिस्ट तुमकुर। सब जने वीडियोस कहाँ देखते? इंटरनेट पे, यूट्यूब। यूट्यूब को तीन जनों ने फाउंड किया, तीन जनों ने इसको फाउंड किया, इसको वजूद मिला। तीन जने इसके फाउंडर है। सबसे पहले है स्टीव चैन ताइवान से, दूसरे है शैड हर्ली स्विट्जरलैंड से, तीसरे है जावेद करीम जर्मनी से। YouTube के फाउंडर, तीन फाउंडरों में से एक फाउंडर कौन है? मुसलमान है। जर्मनी से बोलते, जर्मनी में तो रहते। इनके वालिद और वालिदा की पैदाइश बांग्लादेश और कोलकाता से है। एकदम जर्मनी में तो दूर दिखाने, खरीब ला लिया इसलिए। तो आज के डेवलपमेंट में भी हम मुसलमानों का हाथ है। ऐसा नहीं कि वो बड़े बड़े खदीम अल्लामा और शेख गुजरे, उन्होंने डेवलपमेंट दिखाए। आज की जदीद टेक्नोलॉजी में भी हमारा हाथ मौजूद है। नासा के साइंटिस्टों में हम मुसलमान मौजूद है। आज यूट्यूब में इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, वीडियो सर्वर दुनिया में देखते हैं, उसके भी मुसलमान को फाउंडर में से एक मुसलमान जावेद करें। 36 ईयर्स खाली, 36 ईयर्स कितने बड़े हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन है? अब मुसलमान है ना, को बोलो जू है वो। इसकी एज क्या है? 34, 37
27 राइट। देखिए कितने कितने वो करीब आते जा रहे, अब ये 36 बोलता वो 27, अभी और कुछ निकलता 25 होता, फिर 15 16 5 तक भी आया था। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट में भी हमारा हाथ मौजूद है, फख्र करिए मुसलमान हैं। ऐसा ऐसे कमतरी में आना नहीं है कि हमने दुनिया को दिया ही क्या, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं खाली 5 टाइम की नमाज़ें पढ़े, दुनिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया को भी हम कुछ देकर गए। और ये कौन है, मीर उस्मान अली खान आशिफ शाह 1965 में जब जंग हुई थी चाइना से और पाकिस्तान से, तो इंडियन डिफेंस के लिए, डिफेंस आर्मी के लिए फंड की कमी आ गई, तो उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री कि कई लोगों से फंड पूछे कि भाई इंडिया को डिफेंड करना है, तो आखिर में वो आ गए हैदराबाद हमारे, आके इनसे लेकर गए सोना, कितना 5 टन सोना लेकर गए, 5 टन। आज की उसकी कीमत कितनी है, 1500 करोड़ से 1600 करोड़ तक उसकी कीमत है। अच्छे काम भी करे थोड़े इंडिया को बचाने के लिए, कहते हैं कि हम पैट्रियोटिक नहीं है, इंडिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इंडिया के हम दुश्मन हैं, ऐसे हमको लखब दिए ना। इंडिया में कितने मुसलमान हैं, 25 करोड़ मुसलमान है ना, 25 करोड़ मुसलमान दुनिया इंडिया में मौजूद है, तो गैर को ऐसा दिखता 24 करोड़ 90 लाख टेररिस्ट है, 10,000 अच्छे मुसलमान होंगे ऐसा सोचते। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रणब मुखर्जी ने कहा मियरली थोड़े बहुत गिने चुने कोई होंगे जिनका जहन भटक गया होगा, वो इंडियन मुस्लिम होंगे जो टेररिज्म के वाकये में हाथ डालते होंगे, थोड़े बहुत गिने चुने। मगर आज हमारे को दाढ़ी दिखते, इसके पीछे कुछ दिख रहा, दाढ़ी के अंदर कुछ है, इसके जहन में कुछ चल रहा, ऐसा हमको ऐसी नज़रों से मत देखिए हमको। हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम दुनिया को बचाने के लिए हमारा हाथ है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी हमारा हाथ है। उस जमाने में 1965 में 5 टन सोना 1500 करोड़, परेशान हो गए। ऐसा कैसा भाई, 1500 करोड़ का सोना, 5 टन सोना, आज 5 ग्राम सोना देते किसी को, 5 ग्राम सोना देते, 1 ग्राम देते, शादी आई तो दे देते कभी कभी, हाँ गिफ्ट में दे देते, मगर ऐसे अरे दोस्त को देते अरे मेरी तरफ से 5 ऐसे फ्री में दे दे रहा हूँ तेरे को 5 ग्राम सोना, नहीं 5 टन सोना। सोचिए हम मुसलमानों में जाता, हम मुसलमान तो इस दुनिया के और इस ज़मीन के इतने वफादार हैं कि हम मरे भी तो हमारा जिस्म हम इस ज़मीन को देकर जाते हैं, हम इतने वफादार हैं, हम मुसलमान दुनिया के और इस ज़मीन के इतने वफादार हैं। हमको शक की निगाह से मत देखिए, हमको ऐसा मत देखिए कि ये एक टेररिस्ट दिख रहा, ये दाढ़ी वाला एक टेररिस्ट दिख रहा, ये एक देशद्रोही दिख रहा, ऐसा नहीं है। हम इस दुनिया के भी वफादार है और हम हिंदुस्तान के भी वफादार है, इंडिया के भी हम वफादार है। अगर इंडिया पर कोई नज़र उठाकर देखे तो हम मुसलमान पहले हो गए उसकी नज़र को नीची करने के लिए, इंशाल्लाह। और उसके बाद है, हमको तो इनकी तरह बनना है भाई, ज़बरदस्त शख्स है, इनका नाम है सलमान खान, तो नहीं बनते सलमान खान की तरह, नहीं बनते। अरे सलमान खान बोलते एकदम पूरा मुंबई याद आ गया, नहीं एकदम मुंबई का, मुंबई का मैप दिमाग में आ गया, हाँ सलमान खान बोलते। सलमान खान किस किस को मालूम, ऐसा ना कोला नेहवाल सबको मालूम है सलमान खान। बॉर्न अक्टूबर 11, 1976, ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। अरे इनो है सलमान खान, तो मैं वो समझा था, ये है सलमान खान 38 ईयर्स ओल्ड। ही इज नोन एज फादर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन हम हासिल करते हैं ना, ऑनलाइन बैठकर ये पढ़ना, कोर्सेज करना, ऑनलाइन हम इल्म हासिल करना, ऑनलाइन जो हम पढ़ते हैं ना, जो भी चीज़ें, इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को वजूद में लाया। इनका नाम है सलमान खान और ये 38 ईयर्स के चखाली है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इन 2010 टाइम्स मैगजीन नेम्ड सलमान खान इन इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल दुनिया में से जो टाइम्स मैगजीन रेट करती है,
सलमान खान का नाम भी उसमें आया। फोर्ब्स मैगजीन फीचर्ड खान ऑन इट्स कवर विद स्टोरी ऑफ $1 trillion अपॉर्चुनिटी। कितने बड़े बड़े नाम हमने कारनामे दिए एजुकेशन के, एजुकेशन में भी हमने कितने बड़े बड़े नाम दिए हैं। इनको खरीब ला लूं, हिज फादर डॉक्टर फखरुल अमीन खान इज फ्रॉम बांग्लादेश एंड हिज मदर मसूदा खान इज फ्रॉम कोलकाता। खरीब खरीब के लोग हैं छे भाई, खरीब दूर जाना नहीं है। ऐसा एजुकेशन बोलते अमेरिका याद आ जाता, ऐसा डेवलपमेंट बोलते यूरोप आ जाता, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ बोलते ही वो नासा याद आ जाता। नक्को जाओ वहाँ पर, हमारे पास ही सब चीज़ें, हमसे वो सीख सीख कर आज नाम कमाए हैं। उन वो अपने आप को फादर 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 बोल लेते ना, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोल लेते, फादर ऑफ सर्जरी बोल लेते, या फादरों को जरा ग्रैंड फादर याद दिलाना। ये हमारे मुसलमान कौम है, हमारे ग्रैंड फादर, इतने मुसलमान कौम है ग्रैंड फादर। मगर फादर क्या करता है मालूम, ये कौन सा फादर है, ये अमेरिका यूरोप वाला फादर है, इन्हें चोरी से ग्रैंडफादर की जायदाद ले लेके बताता नहीं अपने बच्चों को कि मैं कमाया बोल दे रहा। ये फादर कैसा है, जायदाद विरासत में ले लिया और अपने बच्चों को बोल रहा मैं कमाया, ऐसी हालत है। ये पूरा इल्म ये 7, 8, 9, 10 सेंचुरी में सीखे, सीख कर आज पूरी दुनिया को बताते कि हमने इसको वजूद में लाया। कंप्यूटर की बात जब आती है तो हमको दिखता कि भाई अमेरिका में अच्छे कंप्यूटर मिलते, वो चाइना में मिलते, नहीं बेसिक हम मुसलमानों में। तो मुसलमानों से दुनिया को फायदा है कि नहीं है, चित्रदुर्गा से दुनिया को फायदा है कि नहीं है, क्या फायदा है? अब है तो बोल दिया जुनून ने हाँ। इंशाल्लाह दुआ करिए यहां से भी जैसा 136 किलोमीटर दूर टुमकुर से एक शख्स निकलता है और नासा का साइंटिस्ट बनता है, वहां का टेलीस्कोप बनाने का वो सुपरवाइजर बनता है और साथ ही साथ कुरान मजीद को ट्रांसलेट करता है अमेरिकन इंग्लिश में, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? जब अरब की कौम ऐसी थी तो अल्लाह ने कुरान को देकर उनको दुनिया का रहबर बना दिए। हमारे पास भी आज कुरान मौजूद है, हमारे पास भी नबी की हदीस मौजूद है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको भी करना है, हमको भी दुनिया में मुसलमान की पहचान बनाना है। इतने लिस्ट है जो मुसलमान साइंसदान है ना, मैं तो आपको 8 बताया, इतने लिस्ट है आपको अगर बताता चाहूँ तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। कौन सी फील्ड में, इकोनॉमिस्ट में, सोशल साइंटिस्ट में, ज्योग्राफी में, अर्थ साइंटिस्ट में, मैथमेटिशियंस में, एस्ट्रोनॉमर्स में, बायोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, और आपको फिजिशियंस में और सर्जन्स में, इतने नाम हैं और ये पूरे नाम 7, 8, 9 और 10 सेंचुरी के हैं। तो अब क्या करना है हमको, सुन लिए भाई, उन्हों कर लिए हम सुन लिए बस, अच्छा बहुत अच्छा है, हैप्पी हैप्पी, थैंक यू। ये है हमारा दही। आज मैं मुसलमान नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी स्टडीज़ में आगे बढ़िए जिस स्टडीज़ से, जिस तालीम से दुनिया भी हासिल हो और दीन भी हासिल हो और गैर देख कर कहे कि ये मुसलमान है जो दीन को भी फ़ायदा पहुँचाया है और दुनिया को भी फ़ायदा पहुँचाया है। हम मुसलमान है ही दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, क्यों? इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुबहान तआला की नज़र में इस्लाम ही दीन है, इस्लाम ही सबसे बड़ी कामयाबी है, इस्लाम ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इस दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भी। अब यहाँ पर क्या वक्त आता है, दावा का वक्त आता है। इधर दुनिया को फ़ायदा पहुँचाना है ना, दुनिया के मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाना है, तो 2 बिलियन मुसलमानों को, इन 5 मिलियन मुसलमानों को बताना है कि भाई ये इस्लाम है, ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारी तरक्की है, ये सीखो, इसको अमल करो, इसमें आ जाओ, इसके आप अंदर आ जाओ, जिससे आपको इस दुनिया में भी आपको कामयाबी है और आखिरत में भी हमको कामयाबी है। मुसलमान नौजवानों से गुजारिश है कि उठ खड़े हो जाइए और दुनिया में दीन का नाम रोशन करिए। सूरह सब सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 9 में कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुश्रिकून, कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक देकर भेजा ताकि वो दूसरे बातिल अदियान पर गालिब हो जाए, मुकम्मल तौर पर इस्लाम दूसरे मज़हब पर गालिब होना ही होना है।
अगर मुसलमान साथ देता है या साथ नहीं भी देता है तो इस्लाम को गालिब होना ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले इस्लाम हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल होगा ही होगा, मुसलमान उसमें साथ दो या साथ ना दो, अगर मुसलमान साथ देता है तो वो खुशकिस्मत और कामयाब है, उसकी बुनियाद पर शायद अल्लाह सुबहान तआला दर्जे बुलंद करेगा, अगर नहीं करता है तो उसको वो खसारे में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक फ़ायदा बताता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुसलमानों से फ़ायदा क्या है मालूम आपको, नबी ने फरमाया कि इस दुनिया में जब तक क़यामत नहीं आ सकती, जब तक इस दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह यह कहने वाला हो तो क़यामत नहीं आ सकती। तो मुसलमान रहना ज़रा ज़रूरी है थोड़ा क़यामत वाले बंद, हाँ मुसलमान रहना ज़रूरी है थोड़ा क़यामत को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब क़यामत जब आना है जब ही आती है, मैं एक बात बता रहा हूँ, जब तक इस दुनिया में मुसलमान अल्लाह कहने वाला होगा क़यामत दुनिया में नहीं आ सकती है। वो क़यामत आने से पहले हमको दुनिया को ये फ़ायदा बताना है, दुनिया को इस्लाम बताना है, दुनिया को डेवलपमेंट बताना है। हम मुसलमान हैं जो दुनिया को डेवलपमेंट बताए हैं, हम मुसलमान हैं जो दुनिया को तरक्की बताए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे ही हम ज़हीन लोग कुरान पर अमल करते करते, दीन पर अमल करते करते, नबी की सुन्नतों पर अमल करते करते दुनिया को आगे भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। चंद मुसलमान किसे कहते हैं, जो कुरान और सही हदीस पर अमल करता है नबी और सहाबा के मुताबिक, चंद मुसलमान। अब सवाल भी आ सकता भाई, अरे आप तो अच्छे अच्छे मुसलमानों की बात कर दी, वो मुसलमान के बारे में क्या है जो दहशतगर्दी फैला रहे, वो मुसलमान के बारे में क्या है जो बुरे बुरे काम कर रहे, उनके बारे में क्या है वो, तो हम बोलेंगे कि वो सही मुसलमान है ही नहीं, और मुसलमान है ही नहीं वो जो दहशतगर्दी फैलाता है। इस्लाम अमन फैलाता है, इस्लाम अमन से निकला है, मुसलमान इस्लाम को फैलाता है का माना मुसलमान अमन को फैलाता है, मुसलमान दहशतगर्दी को नहीं फैलाता है। सच्चे मुसलमान से दुनिया को कोई नुकसान नहीं है, सच्चे मुसलमान से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत एकदम सीरियस सुन रहे तो थोड़ा मैं मुस्कुरा दे रहा, आप लोग भी मुस्कुराना बोल इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अगर हम ईमान लाएंगे, जज्बा लाएंगे, उस तरीके से इस्लाम को फॉलो करना, आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इस्लाम पर अमल करिए, जो है ना रिचुअल की तौर पर नहीं, करना है बोल के करके तौर पर नहीं, हमको नमाज पढ़ना है तो पढ़ ले रहे इस तौर पर नहीं, रिचुअल की तौर पर हमको इस्लाम पर अमल नहीं करना है, हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है इस्लाम, इस तरीके से इस्लाम को अमल करना है, ये इस्लाम मेरा है बल्कि अमल करना है, इस्लाम से मेरे को फ़ायदा है इस दुनिया और आखिरत में, ये कहकर हमको अमल करना है इंशाल्लाह। अल्लाह सुबहान तआला फिर कारनामे दिखाएगा, चित्रदुर्गा से हो या फिर कर्नाटका से हो या फिर इंडिया से हो, हर मुसलमान से दुनिया को कामयाबी और डेवलपमेंट और तरक्की मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद सहाबा इकराम को भी अल्लाह सुबहाना ताला ने मौजज़े दिखाए, दरिया के पास ठहर कर सहाबी कहते हैं ए अल्लाह, नबी के टाइम पर भी तू ही वही अल्लाह था, आज भी वही है, आज हमको दरिया पार करा दे। तो क्या हुआ, घोड़े दरिया में चलना शुरू हो गए। अल्लाह सुबहाना ताला करिश्मा दिखाएगा, अल्लाह सुबहाना ताला कारनामे दिखाएगा। कुरान को मजबूती से पकड़ना अब हमारा काम है। दश्त तो दश्त थे सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो मुसलमान है हम, वो अखीरे वाले मुसलमान है हम। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।